अस्सलाम वालेकुम। अॼु असां ठाहियूं था पटाटनि जा बॉल्स। उन जे लाइ असांखे जेको सामान खपे उहो आहे हीअ चार नंढड़ा पटाटा बॉइल थियल आहिनि, ईअं सम्झो तक़रीबन ॾेढ पाउ पटाटा, ठीकु आहे। ऐं उनखां पोइ हिन में मूं विधो आहे हीअ फूदिनो आहे सुकल, क्रश करे विधो आहे। अगरि ताज़ो फूदिनो हुजे त ताज़ो विझो। हीअ हिकिड़ो नंढिड़ो सा मिर्च कटे विधो आहे, हिकिड़ो नंढिड़ो बसर चॉप थियल आहे, हिकिड़ो टीस्पून लूणु आहे, सावा धाणा आहिनि, ॻाढ़ा मिर्च आहिनि हिकिड़ो टीस्पून, ऐं हीअ सॼा धाणा हथ जी तिरीअ ते रखी थोरो मेटे उहे विधा आहिनि, ऐं हिकिड़ो टेबल स्पून लीमे जो रस विधो आहे। उहो हिन में मिक्स थी वियो आहे, जेको तव्हां थोरो ॾिसी सघो था। ठीकु आहे, आज हम बना रहे आलू के बॉल्स। अच्छा, इसके लिए ये चार छोटे साइज़ के आलू थे जो बॉयल करके छील कर मैश कर लिए। उसमें कटा हुआ धनिया, एक एक टीस्पून नमक और लाल मिर्च, आधा टीस्पून साबित धनिया, ये सूखा हुआ पुदीना है मेरे पास, आपके पास ताज़ा हो तो ताज़ा डाल दें, हरी मिर्च एक कटी हुई, प्याज है बारीक कटी हुई चॉप की हुई, और एक टेबल स्पून एक खाने का चम्मच नींबू का रस हमने इसमें डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और इसके बॉल बना लेंगे। ये मेरे पास थोड़ा सा ऑयल है प्याली में, हाथ को लगाएंगे, बॉल बना के प्लेट में रखते जाएंगे, और फिर हम इनको बेसन में डिबो कर तलेंगे। ये बेसन है ना, तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए ना बहुत गाढ़ा, एक दरमियाना सा होना चाहिए, ठीक है। ही बेसन में बोड़े असा ही बॉल्स पचाईंदासी। तेल जो है मु हल्की बाह ते गरम करण लाय रखियो आहे। ही बेसन में लूण, मिर्च, जीरो ए थोड़ी सोडा विधला, नमक मिर्च, सफ़ेद जीरा और चुटकी भर मीठा सोडा डाला हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से नमक मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सभी का पहले असा इन पटाटन के मिक्स था क्यों, इन हथ की तरीके से थोड़ो थोड़ो तेल हणी नंढड़ी नंढड़ी साइज जा बॉल ठाईंदासी। ही बॉल्स मु सजा ठाए छड्या, ये देखिए बराबर साइज के, ये मैं अपने हाथ पे उठाती हूँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये मेरी दो उंगलियों पे आप देखिए कितने बड़े, बहुत बड़े नहीं बनाने क्योंकि ये इसके ऊपर बेसन भी कोट होगा तो वो और बड़े हो जाएंगे, ठीक है। ही ॾिठो था ये मुझे बिन आंगुरियुनि ते मां रखां थी ताकि साइज़ जो अंदाज़ो थींदो, वॾा न ठाहिजो छो त हिन मथां बेसण सां ई कवर थींदो त हीउ अञा वॾो थी वेंदो पोइ, तंहिंजे करे हिकिड़ा नंढड़ा या विचोली साइज़ जा। ऐं हीअ टिशू पेपर मुंहिंजो हेॾां तयारु आहे पिंडी जे मथां। हमेशह मैं कहती हूँ कि अख़बार कभी भी यूज़ नहीं करें क्योंकि उसका इंक जो होता है वो ज़हर होता है। कभी कभी ये होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें होती हैं, मैं भी एक अखबार बिछाती हूँ और ऊपर मैं तीन चार ये लेयर पेपर्स के डाल देती हूँ ताकि वो इंक जो है वो मेरे खाने तक नहीं आए, तो ऐसा कर सकते हैं आप लोग। सो अचूं था असां हेॾां, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, हिननि खे असां विचोली बाहि ते पचाईंदासीं छो त असांजा पटाटा पकल आहिनि ऐं असांखे सिर्फ़ु जेको आहे बेसण जो लेयर पचाइणो आहे। इसको दरमियानी आंच पे पकाएंगे हम। ये देख लें आलू हमारे पके हुए, सिर्फ एक जो लेयर है बेसन की वो हमें पकानी है। तीन चार जो है एक टाइम में मैं डाल लूँगी। हमारे घर में इस डिश का नाम है गोल मटोल। हम भूल चुके हैं कि इसको आलू के बॉल्स कहते हैं, पोटैटो बॉल्स हैं, ये क्या चीज़ है, क्योंकि मेरा बेटा जब छोटा था तो इनको गोल मटोल कहता था, हमने इस डिश का नाम ही गोल मटोल रख लिया है। तो ये गोल मटोल अब हम कहते ही यही हैं, दावत हो, कोई मेहमान आ रहे हो, इफ्तारी हो, कुछ भी हो, तो हम एक डिश कहते हैं कि चलो गोल मटोल भी बना लेते हैं। और हमें ये नाम बिल्कुल बचकाना नहीं लगता, असा हिरी विया हूँ इन नाले सा, मुझे पुट नंढड़ो होंद तो गोल मटोल इनको नालो रखी छी, तो असा इन डिश जो नालो ही गोल मटोल रखो। इनको थोड़ा दरमियानी आंच पे पकाना है, ठीक है। विचोली बाह से जल जल्दी पचाना है, सफ़ा तेज़ बाह भी न कभी न तो तेल भी सड़ी वो खाधो भी सड़ी वो, तेज करे हमेशा विचोली बाह से पासन का जो निकरन पाया जरा जरा ये बसा खाई छींदा तकरीबन सबको ही खाई जैसे पकौड़ा पचाईंदा तदें भी अड़ो बेसन जरी जरी साइड में अलग थी वेंदी। सो ही पचन था मुझा, मुख्य उम्मीद है तभी रेसिपी वणंदी, ठाए जो ज़रूर कोशिश कजो, मुझे इन जो जवाब भी दिजो, मोट दिजो। अगर तांके वणी हुजे तो वीडियो लाइक कजो, शेयर कजो, मुझे चैनल सब्सक्राइब कयो। अञा भी जो कुछ सेखारिया जो मां पांजा तजुर्बा शेयर कयां तो वो तां आसानी से ॾिसी सघो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर इसका रिस्पॉन्स दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मुस्तकबिल में भी जो मैं अपने
तजुर्बे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ तो आप उसको आसानी से देख सकें। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, इसमें सारा जो टाइम है वो यही लगता है कि जितनी देर में आलू बॉयल हो। ठीक है, ये जल्दी ठहंदा है, रुगो पटाटन के उबारण जो टाइम लगंदो, ऐं जेतिरी देर में पटाटा बॉयल थींदा आहिनि एतिरी देर में बेसण भिजाए रखो ऐं बसर धाणा वग़ैरह सब्ज़ी जेका कटणी आहे उहा कटे रखो, बाक़ी तयारी करे छॾियो त पोइ तव्हांजो कमु जेको आसानी सां थी वेंदो। हमेशह वक़्त जो सही इस्तेमालु ईअं ई थींदो आहे। त हिकिड़ी शइ हिकिड़ो कमु करण लाइ रखो, जेतिरी देरि उहो थिए ओतिरी देरि में तव्हां वरी पंहिंजा ॿिया कम पूरा करे वठो। सो हीअ असांजा पची विया आहिनि, हिननि खे असां कढूं था। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ट्राए कजो, ॿुधाइजो तव्हांखे कीअं लॻा। हमेशह चवंदी आहियां खाधो प्यार सां पचायो ऐं पंहिंजे कम सां मुहबत कयो, पंहिंजी ॿोलीअ सां मुहबत कयो, पंहिंजे टाइम जो सही इस्तेमालु कयो। अलाह तव्हांखे ख़ुशि रखे। वरी कंहिं ॿी वीडियो सां मिलंदासीं, तेसि ताईं अलाह वाई।